हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं शज़ाम फ्यूरी ऑफ द गॉड्स फिल्म के फर्स्ट लुक के बारे में, जिस लुक में हम ज़ैकरी लिवाइस के कैरेक्टर शज़ाम के नए सूट को देख सकते हैं, जिसका लुक पहले से काफी ज्यादा डिफरेंट है। और उसी के साथ साथ उस सूट को देख कर कुछ और डिटेल्स भी पता चलती है, जिसका कनेक्शन ऑब्वियसली ड्वेन जॉनसन की आ रही अपकमिंग फिल्म ब्लैक एडम से तो लग ही रहा है। तो चलिए अब उन डिटेल्स पर बात करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट जो की है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। तो फ्रेंड्स, तो ब्लैक एडम फिल्म के अलावा शज़ाम फ्यूरी ऑफ द गॉड्स फिल्म के भी प्रोडक्शन को शुरू कर दिया गया है, जिस प्रोडक्शन को तो कई दिनों से चलाया जा रहा है। लेकिन जब इस फिल्म के आउटडोर शूट की बात आई तो फिर इस फिल्म के साथ भी वही हुआ जो बाकी दूसरी फिल्मों के साथ होता है, यानी कि ऑन सेट की लीक इमेजेस। और उन इमेजेस से फैंस को अंदाजा मिलता है कि एक्चुअल में फिल्म में चल क्या रहा है। बट दूसरी तरफ ड्वेन जॉनसन की फिल्म ब्लैक एडम को लेकर सिवाय सेट इमेजेस के बाकी और दूसरी कोई भी इमेजेस लीक नहीं हुई है, खास करके ड्वेन जॉनसन के ब्लैक एडम का लुक, जिसके लिए फैंस बहुत ही ज्यादा बेकरार है। और फैंस की उसी हाइप को बरकरार रखने के लिए आज से एक महीने पहले ड्वेन जॉनसन ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर एक टीज भी दिया था, जो पता है इतना ज्यादा खास नहीं है, क्योंकि फैंस को जो देखना है उन्हें वो देखने मिल नहीं रहा। बट फिर भी एक टीज के तौर पर काफी ज्यादा सही है। इसके अलावा शज़ाम फिल्म को लेकर जो ट्रोलिंग की गई थी, यानी कि ज़ैकरी लिवाइस के कॉस्ट्यूम को लेकर, कि उनके कॉस्ट्यूम में कई ज्यादा पैडिंग्स को यूज कर उनकी बॉडी को मस्कुलर बनाया गया है, जिसका रिप्लाई देते हुए ज़ैकरी लिवाइस ने शर्टलेस इमेज भी अपलोड की थी, जिससे उन हेटर्स का मुंह बंद हो गया था। और दूसरी तरफ ड्वेन जॉनसन के सूट की डिटेल की बात करें तो ये बात ड्वेन जॉनसन ने खुद कंफर्म की है कि उनके सूट में एक भी पैडिंग को यूज नहीं किया जाएगा। रीजन आप सभी को पता है, जो डेफिनेटली आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा, क्योंकि पैडिंग की जरूरत सूट में ड्वेन जॉनसन को बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरी तरफ बात करें ज़ैकरी लिवाइस की, तो उनके इस लुक को देखकर मैं इतना तो श्योर हूं कि उनके भी सूट में इस बार पैडिंग की मात्रा बहुत ज्यादा कम होगी, और नो डाउट सूट वाकई में काफी ज्यादा कमाल का लग रहा है, जिसे फर्स्ट पार्ट से काफी ज्यादा अपग्रेड कर दिया गया है। कंपैरिजन के लिए आपको स्क्रीन पर दोनों ही सूट काफी अच्छी तरीके से दिख रहे होंगे कि फर्स्ट पार्ट के मुकाबले में इस बार का सूट कितना ज्यादा अपग्रेड है, क्योंकि इस बार डिटेलिंग पहले से कई ज्यादा कर दी गई है। चाहे आप बात शज़ाम के चेस्ट पर लाइटनिंग बोल्ट की करो, जो पता नहीं इस बार स्क्रीन पर VFX की मदद से कैसी दिखेगी। इसके अलावा सूट के साथ में केप को बिल्कुल भी अटैच नहीं किया गया है, जबकि पहले पार्ट की बिहाइंड द सीन की पिक्स में हमने नॉर्मल केप ही शज़ाम के साथ देखी थी, यानी कि इस बार शज़ाम की केप में भी कई ज्यादा अपग्रेड होगा ही। बाकी बेल्ट और उसके गाउनलेट को भी कई ज्यादा अपग्रेड किया गया है, लेकिन टेक्सचर की डिटेल मुझे पर्सनली सूट में काफी ज्यादा पसंद आई है, जो कहीं ना कहीं यही हिंट देती है कि शज़ाम का सूट भी टेक्सचरिंग के मामले में कुछ इसी लेवल का होगा, क्योंकि दोनों की पावर्स एक दूसरे से काफी ज्यादा मिलती जुलती है। और हमें ये भी भूलना नहीं चाहिए कि इस फिल्म के फर्स्ट पार्ट को एक ऐसे क्लिफहैंगर के पोस्ट क्रेडिट सीन के साथ में खत्म किया गया था, जिस पोस्ट क्रेडिट सीन में हम डॉक्टर शिवाना को मिस्टर माइंड के कैरेक्टर के साथ देखते हैं, जिसकी डिटेलिंग मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर एक्सप्लेन कर रखी है। तो हो सकता है कि ये फिल्म उस एंडिंग पर भी थोड़ा बहुत फोकस करे। बाकी चांसेस इस फिल्म में ड्वेन जॉनसन के ब्लैक एडम के अपीयरेंस के भी काफी ज्यादा लग रहे हैं, भले से ही इन दोनों ही फिल्मों की रिलीज डेट में कई ज्यादा गैप क्यों ना हो, क्योंकि अगर देखा जाए तो ड्वेन जॉनसन की ब्लैक एडम फिल्म शज़ाम फ्यूरी ऑफ द गॉड्स से पहले रिलीज होगी, जिसकी ऑफिशियल रिलीज डेट 29 जुलाई 2022 की है। और बात करें फिल्म शज़ाम फ्यूरी ऑफ द गॉड्स की, तो इस फिल्म की ऑफिशियल रिलीज डेट 2 जून 2023 की है, यानी कि पूरे एक साल का गैप। और बाकी बात करें फिल्म के प्लॉट की, तो फिल्म के टाइटल से ये बात पूरी तरीके से क्लियर हो जाती है कि इस बार शज़ाम का सामना गॉड से भी होगा, जो कुछ रूमर या फिर कहूँ कंफर्मेशन के हिसाब से फीमेल गॉड्स होगी, जिनकी डिटेल अगेन आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। और हाँ, सेट पर ज़ैकरी लिवाइस के कैरेक्टर के अलावा दो और नोन कैरेक्टर्स भी नजर आते हैं, जिनमें से एक पेड्रो पीना और यूजिन चाओ का कैरेक्टर है, जिनकी एज में भी डेफिनेटली फर्क तो पड़ ही गया है, क्योंकि बच्चे काफी जल्दी बड़े होते हैं। और शज़ाम फिल्म की ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, खास करके तब अगर फिल्म के प्रोडक्शन को काफी ज्यादा डिले के बाद कंटिन्यू किया जाता है तो, क्योंकि कॉमिक बुक से शज़ाम की स्टोरी बिली बैटसन के कैरेक्टर से ही पूरी तरीके से कनेक्टेड है, जो एक छोटा बच्चा है जिसके पास शज़ाम की पावर है, और शज़ाम का नाम लेने से वो पूरी तरीके से कन्वर्ट एक सुपर हीरो में हो जाता है, या फिर कहूँ शज़ाम में हो जाता है, लेकिन दिमाग उसका बच्चों की ही तरह रहता है। ऐसे में अगर बच्चे काफी ज्यादा मैच्योर हो गए तो फिर हो सकता है कि इस फिल्म की चामनेस पूरी तरीके से चली जाए, यानी कि फिल्म के फर्स्ट पार्ट में जो पूरे के पूरे कॉमेडी के एंगल डाले गए थे, जो ज्यादातर तो DC फैंस को पसंद नहीं आए थे, लेकिन बाकी दूसरी ऑडियंस ने उसे काफी ज्यादा अप्रिशिएट किया था। और हाँ, इसके अलावा फिल्म के फर्स्ट पार्ट की कहानी DC की रीबर्थ के कॉमिक बुक शज़ाम से काफी ज्यादा
ज्यादा मिलती जुलती है, जिसमें ज्यादा कुछ भी ना चेंज करते हुए फैंस को वही फिल्म प्रोवाइड की गई थी और उसका रिजल्ट अच्छा ही निकल कर आया था, ना कि ज्यादा ग्रेट। तो आई होप इस बार फिल्म का सीक्वल बॉक्स ऑफिस नंबर पर भी काफी ज्यादा इफेक्ट डाले और इसके अलावा इसकी फैन फॉलोइंग भी पहले से काफी ज्यादा बढ़े, क्योंकि अब इस यूनिवर्स में ड्वेन जॉनसन जैसे एक्टर का भी नाम इन्वॉल्व किया गया है। लेकिन जो बात बिल्कुल कन्फर्म की गई है कि इस फिल्म में ड्वेन जॉनसन के कैरेक्टर को बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा और कहानी को दूसरी ही स्टोरी लाइन पर फोकस किया जाएगा, ताकि दोनों ही कैरेक्टर्स के यूनिवर्स को या फिर कह लूं कैरेक्टर्स को काफी ज्यादा बिल्ड किया जा सके। उसके बाद जाकर इन दोनों ही कैरेक्टर्स का आपस में सामना होगा, उसके पहले के चांस बिल्कुल भी नहीं। इसलिए कैमियो एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा फैंस को टीज करने के हिसाब से, क्योंकि अब जो कुछ भी जिम्मेदारी है वो पूरी तरीके से ड्वेन जॉनसन के कंधे पर है, यानी कि उनकी फिल्म ब्लैक एडम पर, जिसके खत्म होने के बाद फैंस के बीच हाइप इसी शज़ाम 2 या फिर कहूँ फ्यूरी ऑफ गॉड्स फिल्म को लेकर रहेगी। जिसे लेकर अब आपकी क्या राय है उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा, और हाँ, वीडियो को लाइक कर भी। तो अब चलिए खत्म करते हैं वीडियो को यहीं पर। मैं हूँ अजीत शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। बाकी मैं मिलूंगा जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए तो आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को एंजॉय कीजिए और टिल देन बाय।